हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं वैकेंसी की, और इस वैकेंसी के बारे में हम थोड़ी बात आपसे करें। तो टोटल वैकेंसी इज़ 5043 वैकेंसीज, ठीक है, और मतलब 5043 वैकेंसी दोस्तों हैं पूरी। अब ये इतनी वैकेंसी टोटल आपके लिए नहीं है, मतलब इसमें अलग तरीके हैं, अलग क्राइटेरिया भी है। तो मैं आपको सारे वैकेंसी के बारे में समझाऊंगा, आप बने रहें इस वीडियो में, आपको इस वीडियो से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये पहली बात करते हैं, तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ये वैकेंसी है, पोस्ट है असिस्टेंट ग्रेड 3। इसमें कौन कौन से सब सेक्शंस हैं, जर्नल के लिए हैं, अकाउंट्स के लिए, टेक्निकल के लिए और डिपोर्ट के लिए, इतनी सारे इसमें कैटेगरीज हैं। आप किस में आओगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, सुनिए बहुत ध्यान से। वैकेंसीज 5043 है दोस्तों। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन मोड में होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 6 सितंबर शुरू हो रहा है आपका, 5 अक्टूबर तक। फिर आपके प्रोसेस में क्या है, सिलेक्शन में आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर आपका एक फेज टू होगा जिसमें आपकी टाइपिंग ऐसा चेक की जाती है। सैलरीज की है 28,200 से लेके 1,03,400 तक, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि किस वैकेंसी पर कि भरना है आपको फॉर्म। देखें यहाँ पे दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आपकी वैकेंसी के हिसाब से, देखिए तो यहाँ पर क्या क्या पोस्ट आई हैं। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है सिविल की, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, स्टेनो ग्रेड 2, AG 3, जनरल, अकाउंट, टेक्निकल, रिपोर्ट और हिंदी, ये सब वैकेंसीज़ हैं। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कि आपको कैसे, कौन सा फॉर्म भरना है आपके लिए, कौन सा है। देखिए एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों इसमें, अ कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल और भूटान, और तिब्बतियन रिफ्यूजी के लिए भी है जिनका जन्म 1962, जो हु हैज सेटल इन इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962, ठीक है, ये सब मतलब का नहीं है। देखिए अब आपके लिए कौन सी वैकेंसी है। अगर हम इंजीनियर्स की बात करें, जूनियर इंजीनियर, तो कैंडिडेट मस्ट हैव ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो JEE के लिए बच्चे वो फॉर्म भर सकते हैं जो सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल पोस्ट से हों, या फिर डिप्लोमा इन द सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो जो बच्चे बीटेक बैकग्राउंड से हैं उनके लिए पोस्ट है। स्टेनो ग्रेड 2 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर क्या बोला गया कि ग्रेजुएट आप होने चाहिए अलॉन्ग विद ओ लेवल, आपके पास डिग्री होनी चाहिए डो एक्स से, एंड स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट एंड 80 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड रिस्पेक्टिवली, इन डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए आपके पास, ठीक है। इसके बाद तीसरी वैकेंसी जो आई है वो क्या आई है, असिस्टेंट ग्रेड हिंदी, यानी अ डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद हिंदी एज द मिनिमम सब्जेक्ट, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, 1 ईयर एक्सपीरियंस टू ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा। तो ये हिंदी वालों के लिए है। अब देखो, अब यहाँ पर जो बीटेक वाले हैं उनके लिए बता दिया आपको, अगर आपने हिंदी से पढ़ाई की है तो भी आपके लिए वैकेंसी है। अब बात करते हैं जनरल की, ठीक है। द कैंडिडेट शुड हैव पास ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो आप लोग जो फॉर्म भर सकते हो यहाँ भर सकते हो, यहाँ न कोई स्पेशलाइजेशन मांगा है न एक्सपीरियंस मांगा है, तो आपके लिए ये वैकेंसी दोस्तों हो सकती है। इसके अलावा अकाउंट के लिए भी है, AG 3 अकाउंट, द कैंडिडेट शुड हैव पास अ ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम, जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से उनके लिए भी अलग से वैकेंसी है, ठीक दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि बीटेक, जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे बीटेक वाले होते हैं सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, आपके लिए भी वैकेंसी है, कॉमर्स वालों के लिए भी वैकेंसी अलग से है, और जो बच्चे नॉर्मल बैकग्राउंड से उनके लिए भी वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कितनी वैकेंसी आपके लिए है। देखिए एज लिमिट की बात कर लें, तो जो बच्चे जनरल के लिए जा रहे हैं उनके लिए 27 ईयर है, जो बच्चे अकाउंट के लिए जा रहे हैं 27 ईयर उनके लिए भी है, जो बच्चे सिविल के लिए जा रहे हैं या इलेक्ट्रिकल के लिए उनके लिए 28 साल है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन, तो अगर आप PWD हैं 37 ईयर आपके लिए जो है, OBC की हम बात करें 30 ईयर, SC ST 32 साल, PWD बिलोंगिंग टू SC ST 42 साल, PWD बिलोंग टू OBC 40 साल, ठीक है, ये देख लीजिएगा दोस्तों। एक्स सर्विस मैन अंडर UR 30 ईयर, एक्स सर्विस मैन अंडर SC ST 35 ईयर, एक्स सर्विस मैन अंडर OBC 33 ईयर। तो ये हमने बात कर ली एज रिलैक्सेशन की, ठीक है दोस्तों। अब एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का होगा फेज़ 1 आपका, ठीक है, और ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क एंड देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4, यानी नेगेटिव मार्किंग है इसमें 0.25 का, ठीक है दोस्तों। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 1 घंटे का होगा, ठीक है। अब एग्जाम में क्या आएगा, इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी और GS आएगा आपका, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एंड GS। देखिए सिलेबस लगभग कॉमन ही रहता है, 1 घंटे का पेपर है,
25 25 25 25 मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीएस 25 मार्क्स की, ठीक है, टोटल मार्क्स 100 और सब में बराबर वेटेज है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ दोस्तों जीएस की, देखिए तो यहाँ पे तो हिस्ट्री पॉलिटी सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन लास्ट पेपर जो एफसीआई का हुआ था वो 19 में हुआ था, और 19 का पेपर आप उठाओगे ना तो 25 में से कम 15 क्वेश्चन कम फ्रॉम द करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आपके लिए मेजर पोर्शन यहाँ पे रहेगा, करंट अफेयर्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बनेंगे, ज्योग्राफी से भी नहीं बनेंगे, पॉलिटी से भी बनेंगे, दो तीन बनेंगे। मैक्सिमम पेपर जो आएंगे आपके वो कहाँ से आएंगे, करंट अफेयर्स से आएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राउंड की, तो नेक्स्ट राउंड देखिए यहाँ पे, कुछ मैं चाह रहा था आपको वैकेंसी में दिखा देता। देखिए अगर आप अकाउंट में आएंगे तो आपकी सैलरी बनेगी 28200 से 79200। अकाउंट वालों की सैलरी भी सेम है, टेक्निकल भी सेम सैलरी है, सिविल वालों की ज़्यादा सैलरी है 34000 से लेकर 103400, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। और ठीक है, तो इतना मैंने आपको बता दिया दोस्तों एफसीआई के एग्ज़ाम के बारे में, आप लोग कहाँ कहाँ फॉर्म भर सकते हैं, तो एक बार आप भी नोटिफिकेशन देख लीजिएगा तो फॉर्म भरिए, ठीक है। कुछ और आपको चीज़ जानकारी तो हमें नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।